तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एके सिंह ने कहा है कि आने वाले साल से 30 दिसंबर का दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो सांसद धरोहर समिति व स्थानीय लोगों खासकर द्वीपों के पुराने बाशिंदों के साथ मिलकर कार्यक्रम के बारे में विस्तृत योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि आने वाले साल से 30 दिसंबर को अर्जित अवकाश के रूप में घोषित किए जाने पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने बड़ी पहल करते हुए पर्यटन सचिव से द्वीपों के पर्यटन नक्शे में 30 दिसंबर को शामिल किए जाने को कहा। उन्होंने इस खुशी के अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने को भी कहा ताकि द्वीपों के पर्यटन में प्रगति हो सके। आपको बता दें कि सन 1943 में पोर्ट ब्लेयर में इसी दिन आजाद हिंद की स्थापना स्थायी सरकार के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तत्कालीन जिमखाना मैदान में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सन 1943 में पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम ध्वजारोहण की स्मृति में बुधवार सुबह 8:30 बजे नेताजी स्टेडियम के सामने स्थित स्मारक पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो सबसे पहले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि उनके किस देश में कि ये एक बहुत ही सीक्रेट मोमेंट है हमारी देश की हिस्ट्री विच नीड बेटर इकोनॉमी। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोमेंट है और ये जो तारीख है जहाँ ये एनिमल की तारीख नहीं है, ये देश की तारीख है। लेकिन शुरुआत तो एनिमल से करिए तो अगले साल इंडस्ट्री में आपको कमेंट करता हूं। अंडमान में आईएमए बना मुख्य पर लोकल लोग थे कुल अंडमान निकोबार का कार्यालय 36,000 अंडमान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश